फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डेफनबेचिया की प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये है डेफनबेचिया का प्लांट और ये देखिए बहुत ही आराम से और इजी टू केयर प्लांट होता है ये। बट ये सबसे पहली बात तो आप इसको अंदर रखें कमरे में, बिकॉज ये शेड लविंग प्लांट है। ये देखिए इसकी लीव्स कितनी बड़ी और ब्यूटीफुल होती हैं। तो ये शेड लविंग प्लांट है, आप इसको इंडोर्स भी रख सकते हैं, बट आउटडोर्स ऐसी रखें जहाँ शेड आती हो, यानी आधे दिन से भी कम धूप आए, ताकि ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो सके। तो ये देखिए, ये हमारा प्लांट है। फ्रेंड्स देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी हैं, देखिए इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं इसकी। आप इसको शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ये देखिए देखिए इसकी एक एक लीफ कितनी बड़ी है। फ्रेंड्स देखिए, पहले हम जब ये प्लांट था हमारे पास, तो देखिए इसकी कितनी छोटी छोटी सी, देखिए ये कितनी छोटी सी पत्तियां हैं इसकी। फ्रेंड्स ये इसलिए थी क्योंकि अभी देखिए गमले का साइज़ है मीडियम है, पहले ये स्मॉल में लगी हुई थी। यानी इस प्लांट को आप बड़े से बड़े जितना बड़ा देंगे गमला, या फिर जितना बड़ा उसको एरिया देंगे फैलने के लिए, इसकी रूट्स को डेवलप होने के लिए, उतना अच्छा ये प्लांट ग्रो करेगा और आपको उतना अच्छा हेल्दी ग्रोथ देगा। फ्रेंड्स इसको आप फर्टिलाइज़र नॉर्मली दें, जैसे और प्लांट को देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ दिनों में, या 10 दिनों में लिक्विड फर्टिलाइज़र, और नॉर्मल जैसे साल में 2 बार आप वर्मी कंपोज देते हैं तो वो दे दें। और कुछ खास इसकी केयर नहीं होती, बस आप इसको धूप में ना रखें, क्योंकि अगर धूप में रखेंगे तो इसकी एक तो देखिए लीव बहुत छोटी रहेंगी और ये इतने अच्छे से ग्रो भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स आप इसकी सॉइल भी मॉइस्ट रखें तो अच्छा ही रहता है। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं होता है इसको मॉइस्ट रखना, बट जितना मॉइस्ट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा इस प्लांट के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस प्लांट को मॉइस्ट नहीं रखेंगे या ड्राई वगैरह हो जाएगा, तो प्लांट देखिए इंडोर प्लांट की वेराइटीज़ में आता है, और इंडोर प्लांट्स को आप अगर अच्छे से वाटरिंग ना करें तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें देखिए मेरी सॉइल देखिए कितनी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल है, देखिए। और इस सॉइल में मैंने कोकोपीट सैंड वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना के प्लांट किया था इसे। हाँ फ्रेंड्स, आप इसको केमिकल फर्टिलाइज़र में एमपीके भी डाल सकते हैं, पर वो मैं 10 दिन में देती हूँ एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर। फ्रेंड्स वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी सॉइल में कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, बस इसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र ना दें, हल्का हल्का लाइट फर्टिलाइज़र दें। और फ्रेंड्स देखिए इसकी पत्ती का कलर वेरिएशन कितना अच्छा आया है। इसको आप फुल इंडोर रखेंगे तो देखिए इसका पत्तियों का वेरिएशन देखिए कितना लाइट था पहले, ये देखिए। या तेज़ धूप में ऐसे करने से इसकी टिप्स भी देखिए इस तरह से जलने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको सेमी शेडेड एरिया में ही रखें तो अच्छा रहता है। देखिए अब इसको हल्की सी धूप मिलती है और सेमी शेडेड एरिया में रखा हुआ है, तो इसकी लीव वेरिएशन का कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल आया है, और बिल्कुल डार्क ग्रीन लश ग्रीन इसका कलर है, और बीच में ये वाइट कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। और अगर आपके पास ये प्लांट है तो उसको आप बहुत ही इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आप प्लांट देख रहे हैं मेरा, इसको आप आधा यहाँ से काट दीजिए, आधा इधर से इस पार्ट को कहीं और लगा दीजिए, इस पार्ट को कहीं और लगा देंगे तो ये इजीली ग्रो होगा और आपके 3 प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसे आप अगर नर्सरी से बाय करते हैं, जैसे आप करेंगे नर्सरी से अगर इसको बाय, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर इसकी लीव्स आपको थोड़ी सी अनहेल्दी दिख रही हैं वो तो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा अगर आपको उसकी लीफ लग रही है ड्राई तो आप उसको ना लें, क्योंकि वो प्लांट जल्दी मर जाते हैं। अगर आपके घर में भी प्लांट रखा हुआ है उसकी लीव ड्राई हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, तो ये प्लांट को आप सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद ये प्लांट मरने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा प्लांट, ये देखिए पहले दोस्तों ये मेरा प्लांट था स्टैंड पे रखा हुआ था, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी बताई थी, तो वहाँ पे ये रखा हुआ था और इस पर बिल्कुल सीधी धूप पड़ती थी, इसलिए ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था। और इसकी पत्तियाँ देखिए, पत्तियाँ भी पहले वाली आपको छोटी दिख रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि इसको छोटे गमले में हमने लगा रखा था।
और उसको रिपोर्ट करने के बाद देखिए इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है ये प्लांट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। फ्रेंड्स, जाते जाते देखिए आज हमारे फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए हैबिस्कस, पिंक हैबिस्कस है, इसमें काफ़ी फ्लावर्स आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।